वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। और आज हम टिंकर में बात करेंगे किस तरीके से स्क्रॉल लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इस समय आप जो अपने स्क्रीन पे जो कोड देख रहे हैं, ये कोड मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। इस कोड को सिंपल हम एक विंडो को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं इसे रन करा रहा हूं, ठीक है। तो एक आपका एक विंडो ओपन होगा। अब हमें बनाने हैं इसमें स्क्रॉल लिस्ट। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं ले रहा हूँ एक वेरिएबल, बेसिकली लिस्ट बॉक्स बना रहे हैं हम, उसे हम स्क्रॉलेबल लिस्ट भी बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं फॉन्ट ले रहा हूँ, फॉन्ट को मैं ले रहा हूँ वरदाना। आप जो भी चाहे फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। वरदाना मैं इससे ले रहा हूँ क्योंकि बेसिकली बहुत ही कॉमन फॉन्ट है जो सबके सिस्टम पे अवेलेबल हो जाता है। सो यहाँ पर मेरा एक स्क्रॉल लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास एक स्क्रॉलेबल लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। लेकिन अब इसके अंदर डेटा नहीं है, तो अब इसके अंदर हम डेटा डालेंगे। तो उसके लिए कई अप्रोचेस हैं, तो मैं आपको सारे अप्रोचेस दिखाऊंगा। सो यहां पर करेंगे हम स्क्रॉल लिस्ट जो कि हमारा वेरिएबल है, इसको कॉल करेंगे डॉट इंसर्ट। इसमें यहाँ पर पहला जो जाता है पैरामीटर वो होती है इंडेक्स उसकी। उसके बाद आपको जो भी आपको नंबर या जो भी चीज़ आपको लिख के देनी हो वो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। सो मैंने किया स्क्रॉल लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होती है ज़ीरो से, तो ज़ीरो लिखा है। उसके बाद मैंने सैम्पल टू लिख दिया। राइट, इसको रन कराते हैं। देखिए मेरे पास दो डेटा आ चुका है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्क्रॉलेबल है या नहीं है, पता नहीं लग पा रहा होगा क्योंकि डेटा सिर्फ दो है और हमारे पे विंडो काफ़ी इसकी बड़ी है। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा डेटा इसका बढ़ा लेते हैं। मैं इसके इंडेक्सिंग चेंज कर रहा हूँ। सैम्पल वन टू, तो मैं इसको कर रहा हूँ थ्री, ये फोर, सॉरी ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास डेटा दस आ चुका है उसके अंदर, ठीक है। अभी भी विंडो थोड़ी बड़ी है और डेटा कम है, तो मैं इसके लिए इसके विंडो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हाइट और ब्रेथ आप दोनों चीज़ की दे सकते हैं। तो मैं इसकी जो हाइट है उसे कम करूँगा या उसे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैं इसको कम कर दूँगा, मैं इसको थ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो आपका फॉन्ट दिखेगा उसमें से तीन वैल्यूज़ दिखेंगी। देखिए मैं जैसे माउस से अपने स्क्रॉल बार से स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल हो रहे हैं, या आप चाहे तो अपने कीवर्ड से भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल फंक्शन आपका काम कर रहा है, ये आपकी बन चुकी है स्क्रॉल लिस्ट। राइट, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो डेटा को इंसर्ट किया है वो बार बार लिख कर किया हुआ है, और तो ये एक राइट अप्रोच नहीं है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए, बिकॉज आपको बहुत कम आपको एफर्ट करके आपको सब चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं। अब अगर किसी को चेंज करना होगा तो उसे इस 10 लाइन कोड में चेंज करना होगा। तो लेट्स से मुझे इसमें नंबर प्रिंट कराना है, मुझे मतलब नंबर डालना है इसके अंदर। तो मैं इसमें एक लूप चला लूँगा, आई रेंज 50 तक मैं कर रहा हूँ। तो वही सिंपल स्क्रॉल लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब इसके अंदर मैं क्या डाल दूँ, आई डाल दूँ, ठीक है। मैं आई कॉमा आई डाल रहा हूँ, क्यों, आई क्या है मेरा इंडेक्स नंबर है और ये आई क्या है इसकी वैल्यू है। राइट, तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए ज़ीरो वन टू थ्री और ये कब तक कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक लूप के थ्रू चला सकता हूँ, लूप के थ्रू वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आई और आई मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब आपने स्क्रॉल लिस्ट किया था इससे पहले तो मैंने क्या किया था, पहला वैल्यू क्या था इसकी इंडेक्सिंग थी और दूसरी क्या थी जो वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी हो। तो यहाँ पर आई इंडेक्स है क्योंकि मुझे ज़ीरो पे एक डाली है वैल्यू, फिर वन इंडेक्स पे कुछ डालनी है, थ्री इंडेक्स पे कुछ डालनी है वो, और आई भी उसकी वैल्यू है। तो
तो जिस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी, उस तरीके से इसका लूप बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, 50 तक, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर लूप के थ्रू भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, टेक्स्ट अगर मुझे करवाना हो तो किस तरह से होगा, या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेक्स्ट मुझे करवाना हो तो किस तरीके से, अगर कोई लिस्ट मेरे पास है प्री डिफाइंड तो उसमें चेंज कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं उसमें डाल रहा हूँ जनवरी फरवरी या संडे मंडे कर देते हैं, थोड़ा छोटा होता है संडे मंडे, संडे मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। वैसे मैंने पाइथन में ये चीज़ कंप्लीट की हुई है किस तरीके से आप फॉर लूप के थ्रू आप किसी लिस्ट के डेटा को प्रिंट करवाते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। सो आई सिंपल वही है, मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंपल नम, मुझे आप कुछ नहीं करना है, सिंपल डालना है यहाँ पर फॉर आई इन नम, यानी कि नम में जो वैल्यू हो वो फॉर लूप के अंदर जाए और वन बाय वन वो प्रिंट हो जाए। अब मुझे यहाँ पे इसका देना होगा इंडेक्स नंबर, मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर कोई भी दे सकता हूँ, 10 में दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी कि मैं 10 दिया है, अगर मैं यहाँ पे 0 दूँ, 0 तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसे 0 देता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये डेटा उल्टा प्रिंट होगा। टेक्स्ट में ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लिस्ट में आपको इंडेक्सिंग पे से फोकस करना होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग में अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा अपोजिट प्रिंट करता है। तो यहाँ पर आप कोई भी आप दे सकते हैं, 10-12 दे सकते हैं, लेट से मैंने 1 दे दिया, राइट, तो देखिए 1 में आपका बिल्कुल सही आ रहा है बट 0 में नहीं आ रहा है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से नहीं, यहाँ से 1 से होती है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पर इंडेक्स देना है 1, क्यों, क्योंकि वो पहला इंडेक्स को वैल्यू नहीं शो करता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको यहाँ पर इस लिस्ट में इंडेक्सिंग वाले में फैक्टर में आपको डाउट हो, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि मैंने 0 क्यों लिया 1 क्यों नहीं लिया या 0 में क्यों इशू आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 0 लेने पर वो इंडेक्सिंग को उल्टा देता है और उससे ऊपर लेने पर वो वैल्यूज़ को सही रीड करता है, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग उसकी यहाँ पर एक यूज़ हो जाती है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसमें फिर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो फिर भी आप मुझे कमेंट बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी जो डाउट है उसे क्लियर करने में। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।